हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो पिछले लेक्चर में आप देखे हो कि चैप्टर फोर में हम फॉल्ट एनालिसिस का फाइनल रिवीजन कराएं, आपको किस तरह से फॉल्ट के क्वेश्चन को डील करना है, रिएक्टेंस डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, फिर थेवेनिन जो आपका शॉर्ट सर्किट MVA निकालने के लिए हम जो MVA मेथड यूज करते हैं, या फिर थेवेनिन सर्किट से जिस तरह से हम फॉल्ट निकालते हैं एट नो लोड, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए। तो जो भी हम लोग फॉल्ट कोर्स ले रखे हैं उनको तो ये सब इंक्लूड है, हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यूट्यूब कम्युनिटी को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, इसकी वजह से हमने ये रिविजन प्लान स्टार्ट किया। आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टेबिलिटी। और आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी भी स्टूडेंट या अपने दोस्त किसी से भी पूछोगे कि पावर सिस्टम में कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अक्सर वो बोलेंगे स्टेबिलिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी में ऐसा सच कुछ नहीं है कि फॉर्मूला आप याद कर लिए, रट लिए तो आपका पूरा बन जाएगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन अगर फॉल्ट की बात करें तो फॉल्ट में ये है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है, नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इजिली कर सकते हो, राइट? या फिर पावर सिस्टम 1 की बात करें तो वहाँ भी बेसिक इक्वेशन है, फॉर्मूला है, इजिली आप कर पाओगे। लेकिन स्टेबिलिटी में थोड़ा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक्स आ जाता है ना, रोटर रोटेट कर रहा है, स्विंग कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना फ्रीक्वेंसी डाउन हो रहा है, ऑसिलेट कितना कर रहा है, ये सारा चीज़ एक्सिलेट कब कर रहा है, डिसिलेट कब कर रहा है, तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत डाउट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का फाइनल रिवीजन, और आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है जो आपको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है स्टेबिलिटी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका स्टेबिलिटी में, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करो तो किसका, जैसे जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है या प्रोटेक्शन होता है, तो किसका स्टेबिलिटी हमको चेक करना है। जनरली हम लोग अल्टरनेटर की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो अगर आप स्टेबिलिटी में देखोगे तो हम लोग तीन टाइप के स्टेबिलिटी पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज दी वोल्टेज स्टेबिलिटी, जो मैं लिखूंगा वही आपको शॉर्ट नोट्स में रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। वोल्टेज स्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि आपका वोल्टेज न कम हो न ज़्यादा हो, जितना भी आपका टर्मिनल वोल्टेज हो ये फिक्स्ड हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल पावर सिस्टम 1 में आप पढ़े होंगे, उसमें वोल्टेज कंट्रोल में हम आपको बताते थे कैसे संट कैपेसिटर लगाने से अंडर वोल्टेज को हम लोग वोल्टेज मेंटेन कर सकते हैं, या फिर सीरीज संट रिएक्टर लगाएंगे तो ओवर वोल्टेज को हम अंडर वोल्टेज कैसे ला सकते हैं, या वोल्टेज को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो जो इसका लिमिट होता है वो आपको पता होगा, 0.95 पर यूनिट टू 1.05 पर यूनिट। दैट मीन्स कि 5% प्लस माइनस 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज, ठीक है, इट्स ओके, प्लस माइनस 5% होगा तो वोल्टेज हमारा जो रेंज है उसमें, ये टॉलरेंस लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो हमको वोल्टेज को कंट्रोल करना पड़ेगा, और वोल्टेज कंट्रोल करने का टेक्निक आपका पावर सिस्टम 1 में अच्छे से डील किया गया है। तो पहला हो गया वोल्टेज स्टेबिलिटी, दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। ऑफकोर्स जब रोटर आपका स्विंग करेगा या रोटर रोटेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। अगर स्पीड चेंज होगा तो रोटर का स्पीड चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। तो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी में हम लोग का जो रेंज होता है वो होता है प्लस माइनस 1% ऑफ एफ रेटेड। ये हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में पढ़े हैं, जो कि फुल कोर्स का पार्ट है, हम लोग फुल कोर्स में इसको देखे हैं फ्रीक्वेंसी में किस तरह से आपका लगभग कितना हुआ। इंडिया में अगर देखा जाए तो इट इज 49.5 to 50.5 hertz, मतलब 0.5 hertz के डिफरेंस में आप देखोगे जो आपका ये पावर डिमांड होता है वो 50 megawatt आ जाता है, जब आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पढ़ोगे, वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप बस इतना याद रखो कि 1% ऑफ एफ रेटेड हमारा ये टॉलरेंस लिमिट है, इससे ज़्यादा जब जाएगा तो हमको फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है, फाइन। लास्ट वन इज दी एंगुलर स्टेबिलिटी, एंगुलर स्टेबिलिटी हम लोग इसमें अच्छे से पढ़ते हैं। एंगुलर मतलब क्या, रोटर एंगल का, मतलब कि सिंक्रोनस मशीन का जो आपका एंगल होता है, रोटर एंगल होता है, वो कैसे वेरी करेगा जब भी हमारा फॉल्ट होता है या कुछ भी सडन डिस्टर्बेंस होता है उस केस में। तो यहाँ पे हम लोग तीन टाइप का स्टेबिलिटी पढ़ते हैं, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, दूसरा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, एंड तीसरा डायनेमिक स्टेबिलिटी।
स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो चेंज होगा, अगर आपका डिस्टरबेंस कुछ आता है तो वो बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए आता है। मतलब स्मॉल डिस्टरबेंस अगर आपका अकर हुआ सिस्टम में, किसी पावर सिस्टम नेटवर्क में अगर स्मॉल डिस्टरबेंस होता है, उसके वजह से रोटर एंगल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सिंक्रोनस मशीन के रोटर एंगल पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, और क्या स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी लिमिट है, वो हम लोग स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में पढ़ते हैं। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, जो स्मॉल डिस्टरबेंस है उसको आप लार्ज डिस्टरबेंस कर दो, मतलब कि ग्रेजुअल चेंज इन एनी सिस्टम या पावर सिस्टम नेटवर्क में, जैसे आपका ग्रेजुअल चेंज हो रहा है फॉर लॉन्ग टाइम, कुछ टाइम के लिए ड्यूरेशन यहाँ पे बढ़ गया, तो लार्ज डिस्टरबेंस में हम लोग, चूंकि यहाँ पे डिस्टरबेंस ज्यादा है तो हम उसको ग्राफिकली एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे रोटर में चेंज आ रहा है, डेल्टा कितना वेरी कर रहा है, कितना डाउन हो रहा है, ये सारा चीज जो हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरिया के थ्रू करते हैं वो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में पढ़ते हैं। एंड द लास्ट वन इज डायनेमिक स्टेबिलिटी। ये क्या है, ये आपका रेगुलर इंटरवल पे स्मॉल डिस्टर्बेंस आते रहता है। तो डायनेमिक स्टेबिलिटी इज नथिंग बट आप ये बोल सकते हो कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का ही पार्ट हो गया। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को स्मॉल इंटरवल पे आप बार बार डिस्टर्बेंस लाओ तो वो डायनेमिक स्टेबिलिटी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग डायनेमिक स्टेबिलिटी को अलग से नहीं पढ़ते हैं, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ही पढ़ लेते हैं, और इसका ऑपरेशन से हम समझ सकते हैं कि डायनेमिक स्टेबिलिटी कैसे होता है। फाइन, तो ये इतना ही पार्ट है जो आपका पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का कोर्स है। अब जब शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे तो किस तरह से बनाना है, आप पॉइंट वाइज बनाना। सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए, जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में होना चाहिए, वो होना चाहिए डायनेमिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन। जब रोटर में आप रोटेट करते हो, अल्टरनेटर में क्या होता है, प्राइम मूवर होगा और उसमें मैकेनिकल इनपुट देंगे, इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेंगे, सीधी सी बात है। तो मैकेनिकल इनपुट देंगे और इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेंगे, दैट मींस बीच में कुछ ना कुछ होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैकेनिकल इनपुट मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हमको काइनेटिक एनर्जी इनपुट और आउटपुट में कुछ ना कुछ रिलेशन पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो हमें रोटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो मैकेनिकल का पार्ट हो जाता है, तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा एस, ठीक है, ये होता है। अब यहां देखिए एक और चीज होती है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जी एच। तो यहां आपको दो दिख रहा है, एक m दिख रहा है, दूसरा h दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में किसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे दो आपको पैरामीटर दिख रहा है, g और h, इसी पे आपको फोकस करना है। तो यहां पे आप देखो, सीधे आप लिख सकते हो m इज इक्वल टू जी एच अपॉन पाई एफ, ओमेगा की वैल्यू 2πf डालिए, m इज इक्वल टू जी एच अपॉन पाई एफ आएगा। इसका यूनिट का आप हमेशा ध्यान रखना, यूनिट क्या होगा ऊपर, जी एच इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, दैट इज मेगा जूल सेकेंड, नीचे पाई है मतलब पर इलेक्ट्रिकल रेडियन, ये इसका यूनिट हो गया। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी एच अपॉन 180f, 180f नीचे क्या आ गया, पाई इज इक्वल टू 180 मतलब डिग्री में, इसलिए इसका यूनिट जो हो गया मेगा जूल सेकेंड पर इलेक्ट्रिकल डिग्री, क्योंकि यूनिट के हिसाब से ही आपको पैरामीटर दिया रहेगा। तो अगर रेडियन में दिया है तो रेडियन में आप वो फॉर्मूला यूज करो, अगर डिग्री में दिया है तो डिग्री वाला फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज मिस्टेक कर सकते हो, यहां मिस्टेक होता है। क्लियर, तो ये दो चीज हो गया। तीसरा जो होता है वो एम पर यूनिट होता है, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन पाई एफ इन पर यूनिट। तो एच अपॉन पाई एफ एम पर यूनिट आपका कैसे हुआ, देखो जी क्या है, एमवीए है ना, ये आपका रेटिंग ऑफ द मशीन है, तो जी को आप रेटिंग ऑफ द मशीन को नीचे से डिवाइड कर दो तो वो पर यूनिट वैल्यू देगा कि नहीं, दे देगा, ये हो गया। तीसरा यहां पे और आगे आप बढ़ के लिख सकते हो, इस जगह पे शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो अच्छे से लिख लो। यहां पे देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जी एच है, तो एच इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी अपॉन जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, आप इसको लिख सकते हो मेगा जूल सेकेंड और जी एमवीए, राइट। तो इसका आपका देखो, इसका जो फॉर्मूला होगा वो एनर्जी में आप, दिस इज पी इंटू टी ना, मेगा वाट सेकेंड होगा ना, मेगा जूल सेकेंड, मेगा वाट सेकेंड, यहाँ पे सीधे मेगा जूल आएगा क्योंकि एनर्जी है ना, तो एनर्जी इन जूल, तो मेगा जूल पर एमवीए। क्लियर, तो इसका यूनिट देखो मेगा जूल पर एमवीए है, और इसी को हम लोग सेकेंड में भी
डिफाइन करते हैं तो यूनिट से ही आपको बोलेगा, जैसे बोला गया इनर्सिया कांस्टेंट आपका एच इज इक्वल टू 5 मेगाजूल पर एमवीए है, तो एच की वैल्यू दिया हुआ है 5 मेगाजूल पर एमवीए, तो यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये सेकंड कैसे हुआ, एनर्जी इज इक्वल टू पी इन टू टी होता है, तो पावर पावर कैंसिल हो गया और टाइम बचेगा तो वो सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका इतना छोटा सा स्पेस लेगा जिसमें आपको पहला जो पॉइंट लिखना है वो ये लिखना है कि इस तरह से होगा, क्लियर। दूसरा पॉइंट आपका होना चाहिए जो आगे हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे तो पूरा पावर सिस्टम स्टेबिलिटी है, स्विंग इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्विंग इक्वेशन क्या बताता है, जितना भी आपका डेल्टा में वेरिएशन हो रहा है, रोटर एंगल जितना चेंज हो रहा है, उसके बारे में ये बताएगा कि कितना वेरी होता है, कितना एक्सलेशन होता है, कितना डिसलेशन होता है। इस इक्वेशन में जो आपका वैल्यू होगा दैट इज एम डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर अपॉन इलेक्ट्रिकल पावर विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सलेटिंग पावर। तो डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट एक्सलेशन ओनली, क्योंकि रोटर का आप दो बार डिफ्रेंशिएट करो एक्सलेशन मिलेगा, तो इसको हम लोग अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे पीएम इनिशियली जब आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर दोनों बराबर होना चाहिए पावर बैलेंस के हिसाब से। अब जैसे ही मैकेनिकल पावर घट रहा है या इलेक्ट्रिकल पावर घट रहा है या मैकेनिकल पावर पर कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रहा है इन दोनों में, तो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर मिलेगा। तो जब भी आपका डिफ्रेंसिएशन कुछ ना कुछ मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ वैरी करेगा, डेल्टा वैरी करेगा, तो वही बताएगा कि एक्सलेट करेगा डिसलेट। तो डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन, दैट मीन्स कि रोटर विल ट्राई टू एक्सलरेट, और डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर अगर लेस देन जीरो आ रहा है दैट मीन्स कि रोटर विल ट्राई टू डिसलरेट, यही आपका बताता है स्विंग इक्वेशन, और इससे आप डेल्टा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्विंग इक्वेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो स्टेबिलिटी में उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखिए जो तीसरा पॉइंट आपका होना चाहिए वो होना चाहिए कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट ऑपरेशन। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट ऑपरेशन क्या है, कोहेरेंट का मतलब है कि अगर दो मशीन को आप दो अल्टरनेटर को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और उसे पावर फीड हो रहा है, तो दोनों अल्टरनेटर का एक केस हो सकता है कि रोटर एंगल जो होगा वो बराबर होगा, और दूसरा केस हो सकता है कि रोटर एंगल विल नॉट बी इक्वल, दोनों अलग अलग रोटर एंगल पे भी हो सकता है और रोटर एंगल सेम भी हो सकता है। तो अगर रोटर एंगल सेम होगा दैट मीन्स कि कोहेरेंट ऑपरेशन है, रोटर एंगल डिफरेंट है इनकोहेरेंट ऑपरेशन है। तो अगर ये है तो इस केस में आपका इक्विवेलेंट कांस्टेंट इनर्शिया कांस्टेंट m इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2, वेयर m1 इज द जनरेटर 1 का और m2 जनरेटर 2 का। तो दिस इज m इक्विवेलेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जी एच इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जी वन एच वन प्लस जी टू एच टू, पाई एफ सब में कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज दी जी ऑफ नया, जो बेस एम भी आप नया लोगे तब, तो उससे आप एच इक्विवेलेंट भी फाइंड कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू जी वन एच वन प्लस जी टू एच टू अपॉन जी। तो ये न्यू बेस हुआ, ये इंडिविजुअल बेस है जी वन एच वन, जी वन जो है वो इंडिविजुअल बेस एम बी ए ऑफ जनरेटर वन, जी टू इज इंडिविजुअल बेस एम बी ऑफ जनरेटर टू, और ये आपका न्यू बेस है। तो दोनों मशीन टू मशीन सिस्टम को अगर आपको इक्विवेलेंट सिंगल मशीन सिस्टम में डिफाइन करना है तो आप इतना का एम इक्विवेलेंट और एच इक्विवेलेंट लेके एक सिंगल मशीन सिस्टम में आप इसको एक्सचेंज रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी तरह से इनकोहेरेंट ऑपरेशन मतलब क्या हुआ, इनकोहेरेंट ऑपरेशन का मतलब है कि यहाँ पे रोटर एंगल डिफरेंट है, तो रोटर एंगल डिफरेंट है दैट मीन्स कि वहां पे एक्टिव पावर का एक्सचेंज होगा, मतलब एक पावर एब्जॉर्ब करेगा दूसरा पावर डिलीवर करेगा, कुछ ना कुछ पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा कोई ना कोई, मतलब कि एक अल्टरनेटर विल बिहेव लाइक अ मोटर फॉर दिस टाइम जब डेल्टा वन नॉट इक्वल टू डेल्टा टू है। तो इस केस में जो हम लोग एम इक्विवेलेंट निकालते थे दैट इज इक्वल टू एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू, और इसी को आप जी इंटू एच इक्विवेलेंट अपॉन पाई एफ से रिप्रेजेंट कर दोगे तो एच इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो, क्लियर हो गया। तो ये था आपका कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट ऑपरेशन में, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ नया इनर्शिया कांस्टेंट क्या होगा अगर टू मशीन सिस्टम को सिंगल मशीन सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस दो पे गेट में क्वेश्चन भी आए हैं, इसलिए ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इसको शॉर्ट नोट्स में आप रखिए। तो अभी तक जो मैं बताया पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री, ये आपका आई थिंक हाफ पेज लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा।
हाफ पेज में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, जो कि आपको मैं लिखा दिया हूं, दिस वन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो ये दो हम लोग अब स्टडी करेंगे अच्छे से, तो इसको मैं ओमिट करता हूं। उसके बाद अब नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट होगा, दैट इज स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट ये स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में क्या क्या हम लोग शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, अब देखिए स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का मैं आपको पहले ही डेफिनेशन बताया कि जब भी आपका स्मॉल डिस्टरबेंस हो, मतलब कि स्मॉल डिस्टरबेंस मतलब फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल, अगर आपका डिस्टरबेंस हो रहा है बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए, तो इसीलिए हम मान के चलते हैं कि रोटर एंगल हमारा क्या है, डेल्टा नॉट पे काम कर रहा है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं इसको, आप समझना कॉन्सेप्ट को, समझना कॉन्सेप्ट मेन है। तो रोटर एंगल डेल्टा नॉट पे है। अब जैसे ही आपका कुछ चेंज होता है, सडन आपका रोटर एंगल में वेरिएशन आया डेल्टा, तो फाइनली आपका डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा नॉट प्लस डेल डेल्टा। तो स्मॉल डिस्टर्बेंस की वजह से स्मॉल चेंज इन रोटर एंगल जो हुआ, उससे आपका डेल्टा जो वेरी किया वो डेल्टा नॉट प्लस डेल डेल्टा हो गया। तो ये पूरा मैं डेरिवेशन आपको करा रखा हूं, इसमें सीधे आपको क्या लिखना है, आप डायरेक्ट लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर डेल डेल्टा प्लस के बाई एम डेल डेल्टा इक्वल टू जीरो। तो ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, जब आप पूरा डेरिवेशन देखोगे स्टेडी स्टेबिलिटी का, तो इसमें आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन इतना आएगा, वेयर के इज इक्वल टू डेल पी ऑन डेल डेल्टा एट डेल्टा इज इक्वल टू इनिशियल रोटर एंगल डेल्टा नॉट। ठीक है, तो यहां से जो आपका रूट्स जो आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, डी इज इक्वल टू जो आएगा दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस के बाई एम। ओके, तो यही है आपका जो डिफाइन करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो तीसरा जो होना चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होना चाहिए, माइनस आप बाहर ले लो तो दिस विल बी माइनस वन, अगर बाहर लोगे तो जे हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। इसमें तीन केस होता है, जब के ग्रेटर देन जीरो, के लेस देन जीरो, के इक्वल टू जीरो। तो वो केस आप शॉर्ट नोट्स में बाद में लिखो, अभी आप बस इतना करो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपसे पूछ सकता है कि जैसे आपका स्मॉल डिस्टर्बेंस हुआ तो उसके वजह से रोटर एंगल में वेरिएशन आया, तो कितना फ्रीक्वेंसी से उसका ऑसिलेट कर रहा है रोटर एंगल, वो आपको ये देता है, जिसका वेवफॉर्म भी हम लोग अच्छे से प्लॉट किए थे कुछ ऐसा। और डेल डेल्टा का जो इक्वेशन है वो आप निकालोगे तो दिस विल बी इक्वल टू सी वन साइन अंडर रूट के बाई एम इंटू टी प्लस सी टू कॉस अंडर रूट के बाई एम इंटू टी। साइन और कॉस के फॉर्म में, इसलिए आपका ऐसा वेरिएशन होगा। यहाँ पे हम डैम्पिंग को जीरो मान रखे हैं, मतलब कि आइडियल केस है, इसलिए आपका कभी भी ऑसिलेट कंटिन्यू करते रहेगा स्मॉल डिस्टर्बेंस, राइट। तो ये आपका पूरा चेंज इन डेल्टा यही होता है, दिस इज द चेंज इन डेल्टा, क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आप एक और चीज लिख लेना, इसमें यह होता है के की वैल्यू, अगर आपका डेल पी अपॉन डेल डेल्टा ग्रेटर देन पी मैक्स, पहले लेस देन ले लेते हैं, डेल पी अपॉन डेल डेल्टा ग्रेटर देन पी मैक्स एंड डेल पी अपॉन डेल डेल्टा इक्वल टू पी मैक्स, वी आर पी मैक्स इज इक्वल टू ईवी अपॉन एक्स। मालूम है हमको पावर एंगल इक्वेशन EV upon X into sin delta से, right? तो यहां देखिए, अगर आपका Pmax जो होगा वो less than del PE upon del delta, synchronizing coefficient इसको बोलते हैं, अगर ये less than Pmax है, that means कि system आपका stable होगा, ठीक है? After small disturbance भी system stability की ओर चला जाएगा, stable operation आपको मिल जाएगा। अगर greater होगा तो system unstable होगा, और अगर equal to है तो ये verge of stability है, मार्जिनल स्टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, या वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी बोल लो। तो ये आपका जो देता है, दैट इज स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। इससे ज्यादा पीमैक्स नहीं होना, इससे ज्यादा आपका पावर डिमांड नहीं होना चाहिए। अगर पावर डिमांड ग्रेटर देन पीमैक्स हो गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर जो पावर एंगल कर्व आप बनाते हो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में, कुछ ऐसा होता है, दिस इज पीमैक्स एट डेल्टा इज इक्वल टू 90
तो ओवरऑल जो पावर डिमांड होना चाहिए वो इस रीजन में होना चाहिए, इससे ज़्यादा पावर डिमांड नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पावर डिमांड हो गया दैट मीन सिस्टम विल लूज इट्स सिंक्रोनिज्म और अनस्टेबल स्टेट को चला जाएगा। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट में एक हमको समझ में ये आ रहा है कि डेल्टा 90 से कम ही होना चाहिए किसी भी टाइम के लिए, चाहे वो ड्यूरिंग द फॉल्ट हो या आफ्टर द फॉल्ट हो या बिफोर द फॉल्ट हो। डेल्टा 90 से ज़्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर डेल्टा 90 से ज़्यादा गया मतलब पावर डिमांड आपका ग्रेटर देन पी मैक्स हो गया, तो उस केस में आपका सिस्टम क्या होगा, सिंक्रोनिज्म को लूज कर जाएगा और अनस्टेबल स्टेट हो जाएगा। तो डेल्टा 90 जो है उससे ज्यादा आपका रोटर कभी भी नहीं जाएगा स्मॉल डिस्टरबेंस के केस में। लेकिन जब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आप पढ़ते हो तो वहां पे आपको याद होगा जब हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरिया बनाते थे तो क्या होता था, रोटर एक्सलेट करता था, डिसलेट करता था, डेल्टा यहां भी जाता था विच इज ग्रेटर देन 90। मतलब कि इन ट्रांजिएंट स्टेट ड्यूरिंग द फॉल्ट द रोटर एंगल मे गो बियॉन्ड 90 डिग्री व्हाइल इन स्टेडी स्टेट द डेल्टा विल बी डेल्टा इज ऑलवेज बी लेस देन 90 डिग्री। अगर डेल्टा आपका 90 डिग्री से ज्यादा होगा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में दैट मीन्स वो अनस्टेबल स्टेट है। लेकिन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में अगर डेल्टा 90 से ज्यादा भी हो गया तब भी उसका चांस है कि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा, स्टेबल ऑपरेशन उसमें मिल सकता है, जो कि हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरिया में देखें। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी या ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट पूछा मतलब आपसे पी मैक्स पूछ रहा है, और पी मैक्स कैसे निकलेगा, ईवी अपॉन एक्स से, समझ गए। फिफ्थ पॉइंट, मेथड टू इंप्रूव स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमको इस पी मैक्स को बढ़ाना है। तो पीमैक्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ देखिए पीमैक्स को हमको बढ़ाना है, इसको इंक्रीज कराना है। तो पहला तो हमको लग रहा है दिख रहा है कि ईएमएफ को बढ़ाओ मतलब एक्साइटेशन को बढ़ाओ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हम बार बार एक्साइटेशन को चेंज करें जनरेशन के साइड पे। तो एक्साइटेशन को बढ़ाओ एक ही तरीका है। दूसरा आप यहाँ पे इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है उसको डिक्रीज कर दो। तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं ये पूरा अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ फुल कोर्स में भी और क्रैश कोर्स में भी, किस तरह से आप एक्स को कम कर सकते हो। एक्स को कम करने सीरीज कंपनसेशन कैपेसिटर सीरीज में लगा दो, दूसरा बंडलिंग ऑफ कंडक्टर, तीसरा ईवी अपॉन एक्स और एक्स कम करने का, हाँ जो आप बंडलिंग ऑफ कंडक्टर करते हो उससे, और भी है एसवीसी। एसवीसी कैसे होता है फुल कोर्स में हम अच्छे से बताएं कि किस तरह से एसवीसी इंप्रूव करता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को, वो आप देखो अगर फुल कोर्स लिए हो तो आपको पता होगा। एसवीसी क्या कर रहे हैं, हम लोग मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, दो ट्रांसमिशन लाइन है उसके बीच में हम एक एसवीसी लगाते हैं। तो जैसे ही आप एसवीसी का काम क्या होता है प्रैक्टिकल, एसवीसी रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करता है, दैट्स इट। तो रिएक्टिव पावर अगर इंजेक्ट करेगा तो वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन होगा, वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन होगा दैट मींस कि पी मैक्स आप बढ़ा सकते हो। तो जो आपका वोल्टेज का प्रोफाइल मिल रहा था ऐसा कुछ मिल रहा था, मतलब मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन में आपका वोल्टेज बहुत ज्यादा था विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, है ना। तो इस टाइप का आप कर सकते हो एसवीसी कनेक्ट करके, किस तरह से होता है इक्वेशन क्या होता है उसके लिए आप फुल कोर्स देखो, फुल कोर्स में हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन किए। तो इतना ही है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट में। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आएगा आपका इससे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछ दिया या फिर पूछ देगा कि फाइनल रोटर एंगल बताओ, स्मॉल चेंज इन डिस्टर्बेंस से डेल डेल्टा की वैल्यू दे रखी होगी, या पूछ देगा कि डेल डेल्टा चेंज इन डेल्टा कितना हुआ, तो डेल डेल्टा निकालने का ये फॉर्मूला है, क्लियर। तो उस तरह से आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा कि कितना एक्सलेट किया, कितना डिसलेट किया, कितना डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। यही मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट से और जिसके वजह से उसको समझ में नहीं आता कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट या स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि मतलब जिस तरह से फॉल्ट है या फिर पावर सिस्टम ऑन पढ़ते हो, क्लियर। तो ये था आपका स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, वो है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। इसको ओमिट करते हैं फिर देखते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो सिक्स पॉइंट दीजिए, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी बता दिए हैं डेफिनेशन क्या होता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। जब आपका लार्ज डिस्टर्बेंस होता है उस केस में आपका रोटर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह से आएगा वो हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में देखते हैं, और इसमें आपका इक्वल एरिया क्राइटेरिया का कॉन्सेप्ट आता है। तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज नथिंग बट स्विंग इक्वेशन का ही आप बोल सकते हो ग्राफिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं। हमें पता है एम डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी ए वेयर एक्सलेटिंग पावर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम को इधर ले जाइए, कोई दिक्कत है क्या, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद यहाँ पे आप टू डी डेल्टा अपॉन डी टी से दोनों साइड
मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ डी डेल्टा अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई एम पी ए इंटू डी डेल्टा अपॉन डी टी। अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2 इंटू डी डेल्टा बाई डी टी, या फिर इस डी डेल्टा बाई डी टी का एक बार डिफ्रेंसिएशन तो डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए हम इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। अब दोनों साइड आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, डी डेल्टा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ पी ए इंटू डी डेल्टा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फाइनल जो इक्वेशन आएगा डी डेल्टा बाई डी टी अगर आपको फाइंड करना है, दिस इज नथिंग बट ओमेगा। तो रोटर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना वेरी कर रहा है, अगर इसे फाइंड करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जब भी आपका लार्ज डिस्टर्बेंस होता है तो रोटर वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब रोटर वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो इसका आप जब ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं तो ग्राफ जो बनता है कुछ ऐसा बनता है, जो ग्राफ बनेगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इनिशियली रोटर मान लीजिए डेल्टा नॉट पे काम कर रहा है, अब अचानक क्या हुआ, डिस्टर्बेंस आया। जैसे ही डिस्टर्बेंस हुआ रोटर ऑसिलेट किया कुछ ऐसे, ऑसिलेट करके फाइनली स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा। तो दिस इज दी स्टेडी स्टेट जिसमें आपका डी डेल्टा कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक से देखिए। और यहाँ पे दिस इज दी फर्स्ट स्विंग, इसी पे हम लोग पूरा बात करते हैं, दिस इज नोन एज फर्स्ट स्विंग, जो कि वर्स्ट केस है, रोटर कितना मैक्सिमम स्विंग कर सकता है। सो दिस इज दी डेल मैक्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ट्रांजिएंट स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का वेरिएशन है। कुछ देर बाद जब फॉल्ट रिमूव कर दिए तो उसके बाद आपको स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी मिल रहा है, जहाँ पे डी डेल्टा बाई डी टी की वैल्यू क्या है, जीरो। तो इसके बाद से आपकी वैल्यू जो डी डेल्टा बाई डी टी, टाइम के साथ डेल्टा चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा वर्सेज टाइम कर रहे हैं, टाइम के साथ डेल्टा चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं अंडर स्टेडी स्टेट डी डेल्टा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। और जैसे ही स्टेडी स्टेट में आप डी डेल्टा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो बोलोगे, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ पी इन पी ए इंटू डी डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वालिटी क्राइटेरिया। एक्सलेटिंग पावर जो आपका पूरा एक्सलेशन और डिसलेशन का जो इंटीग्रेशन होगा वो जीरो होगा, और इसी से पूरा इक्वालिटी क्राइटेरिया हम लोग निकालते हैं कि कब एक्सलेट किया कब डिसलेट किया, उसका एरिया लेकर उसका इंटीग्रेट करके फाइनली हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, डी डेल्टा बाई डी टी, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड वन दिस वन, एंड थर्ड ये ग्राफ। इस पे क्वेश्चन आते हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये सब पे क्वेश्चन आते हैं। अब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में अब हमको समझ में आ गया कि लार्ज डिस्टरबेंस है मतलब बहुत देर के लिए रहेगा, तो उसमें कितने टाइप के डिस्टरबेंस हो सकता है। हम पहला डिस्टरबेंस जो पढ़ते हैं वो होता है सडन चेंज इन मैकेनिकल इनपुट। तो जब भी मैकेनिकल इनपुट आपका चेंज होगा तो उस केस में क्या होगा, तो आपको बस नोट्स में पूरा रामायण नहीं लिखना है कि यहां से यहां तक आपको क्या मिल रहा है, यहां से यहां तक क्या मिल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है, आपको पावर वर्सेस डेल्टा कर्व बना देना है, दैट्स इट। दिस इज पी, पावर एंगल कर्व कुछ ऐसा होगा, राइट। अब इनिशियली हमको मिल रहा है क्या, मैकेनिकल पावर पी एम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, इसको पी एस लिख दीजिए, इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर है, और रोटर जो वर्क कर रहा है वो डेल्टा नोट पे कर रहा है। अब क्या हो रहा है, अचानक आप पीएम क्या किए, मैकेनिकल इनपुट को हम बढ़ा दिए, तो जैसे ही मैकेनिकल इनपुट को बढ़ा के हम पीएम वन पे ले गए, अब देखिए स्विंग इक्वेशन के हिसाब से आपका जब भी एक्सलेटिंग पावर आएगा, एक्सलेटिंग पावर क्या है आपका पीएम माइनस पीई, तो इलेक्ट्रिकल पावर तो उतना ही रहा, मैकेनिकल पावर को बढ़ा दिए, मतलब ओवरऑल इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, एक्सलेटिंग पावर ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स कि रोटर विल ट्राई टू एक्सलरेट एंड इट विल ट्राई टू अचीव द न्यू ऑपरेटिंग पॉइंट दिस वन, सपोज कीजिए डेल्टा वन है, तो यहां से एक्सलेट करना शुरू किया, इसको अचीव करा, ये ए पॉइंट आप मान लो,
ये बी पॉइंट तक अचीव किया। अब यहां जाके रुकेगा नहीं, क्योंकि रोटर में क्या है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, इनर्शिया है, इसकी वजह से और आगे तक जाएगा, लेकिन डिसेलरेट करेगा। क्यों डिसेलरेट करेगा? क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिकल पावर विल बी लेस देन, इलेक्ट्रिकल पावर इज ग्रेटर देन मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर ग्रेटर देन मैकेनिकल पावर मतलब डिसेलरेशन। डिसेलरेशन करके यहां मान लीजिए सी पॉइंट है, यहां तक आया, दिस इज डेलमैक्स। डेलमैक्स नहीं बोलते, एक्चुअल में डेल टू होता है। जब ये पूरा पॉइंट आपका इससे टच हो जाएगा ना, सपोज कीजिए ये सी पॉइंट है, इसे टच हो गया तो ये डेल मैक्स हो जाता है, और ये डेल वन जो होता है वो डेल सी आर हो जाता है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट हम ऐसे ले सकते हैं। अब जो एरिया होगा, दिस एरिया मस्ट बी इक्वल टू दिस एरिया, क्लियर? तो ये है आपका पूरा डेल सी आर इज द क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, जिसका मैं एक ही फॉर्मूला दूंगा जिसमें सारा आ जाएगा, क्लियर? तो दूसरा आपका हो जाता है फॉल्ट ऑन बस बार, उसमें भी क्या होगा, देखो इनिशियली आपको मिला पीएम वन मिलेगा, पीएम टू नहीं मिलेगा, और पीएम थ्री इज इक्वल टू पीएम वन मिलेगा। पीएम टू क्यों नहीं मिलेगा? बस बार में जैसे ही फॉल्ट हुआ तो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो, तो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो मतलब कि उस केस में मैक्सिमम पावर जो होगा वो जीरो होगा, ये आपको बस इतना लिखना है। तीसरा फॉल्ट ऑन मिडिल ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन, तो इसमें आपको पीएम वन भी मिलेगा, पीएम टू भी मिलेगा, पीएम थ्री भी मिलेगा, क्लियर? चौथा फोर्थ पॉइंट मैं यहीं लिख देता हूं, फॉल्ट नियर द बस बार इन पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन, तो इसमें आपको पीएम वन मिलेगा, पी एम टू जीरो होगा, और पी एम थ्री भी आपको मिलेगा, लेकिन पी एम थ्री इक्वल टू पी एम वन नहीं होगा, जैसा कि आपका केस फॉल्ट ऑन बस बार, क्लियर? दोनों अलग अलग होगा। अब इन चारों ऑपरेशन को आप अच्छे से देखोगे ना करके कि कब एक्सलेट हो रहा है, कब डिसलेट हो रहा है, तो उसके बाद आपको ये पूरा इक्वल एरिया क्राइटेरिया समझ में आ जाना चाहिए। और जैसे ही आ गया तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद कर पाओ तो, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स पी एस डेल मैक्स माइनस डेल नॉट प्लस पी एम थ्री कॉस डेल मैक्स माइनस पी एम टू कॉस डेल नॉट अपॉन पी एम थ्री माइनस पी एम टू। इससे आप डेल सी आर क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल निकाल सकते हो। तो यहां देखो पी एम वन पी एम टू पी एम थ्री हम हर एक डिफरेंट डिफरेंट केस के हिसाब से हम निकाल लेंगे। डेलमैक्स हमको मालूम है, डेलमैक्स की एक फॉर्मूला होती है, वो भी आप लिख लीजिए, डेलमैक्स इज इक्वल टू, ये भी आप नोट्स में लिख लीजिए, दैट इज पाई माइनस साइन इनवर्स पी एस अपॉन पी एम थ्री। पी एस इज द इनिशियल मैकेनिकल पावर या शाफ्ट पावर बोल सकते हो, राइट? डेल नॉट क्या होगा वो भी निकल सकता है, डेल नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स पी एस अपॉन पी एम वन, इनिशियल रोटर एंगल किस पे काम कर रहा है। तो ये सब फॉर्मूला है जो आपको नोट्स में रखना है, और ये पूरा करने के लिए स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, हमको लगता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी हाफ पेज इधर लिया था स्टार्टिंग का ये, और एक और पेज आप मान लो तो उसमें ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा है, एक्सलेट कब करेगा, डिसलेट कब करेगा, डिसलेट एक्सलेट, फिर रीजन कैसे लेते हैं, डेल सी आर कैसे निकालते हैं, डेल्टा वन डेल्टा टू कुछ भी पूछ सकता है, डेल सी आर पूछ सकता है, डेल मैक्स पूछ सकता है, डेल नॉट पूछ सकता है, या क्रिटिकल केस ना पूछ के कुछ और एंगल में पूछ सकता है, डेल वन डेल टू, तो वो सब आपको जब ये पूरा ग्राफिकल एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो तो उसके बाद कर सकते, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है। तो ये पूरा आपका स्टेबिलिटी है, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का पाथ है। इसके बाद आप एक और पॉइंट बना सकते हो, मेथड टू इम्प्रूव ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, दो तीन पॉइंट है बुक में, आप देख लो उसको, नोट डाउन कर लो, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी हम लोग खत्म किए, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे लोड फ्लो, लोड फ्लो में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या आप देख सकते हो, वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जिस तरह से मैं बोला था आपको, पूरा चैप्टर वन से लेकर चैप्टर फाइव ये चल रहा है, चैप्टर फाइव तक पूरा प्रॉपर आप नोट्स बनाओगे तो पाँच से छः पेज में आई थिंक हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।